हेलो एवरी वन माई नेम इज़ सदाब वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो गाइज टूडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम वर्ड्स विथ मीनिंग ओके सो लेट स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट वर्ड्स इज़ टर्मिनल टर्मिनल का हिंदी मीनिंग है अंतिम टर्मिनल का हिंदी मीनिंग है अंतिम पैरिटी पी ए आर आई टी वाई पैरिटी पैरिटी का हिंदी मीनिंग है समानता पैरिटी का हिंदी मीनिंग है समानता मोमेंट एम ओ एम ई एन टी मोमेंट मोमेंट का हिंदी मीनिंग है पल मोमेंट का हिंदी मीनिंग है पल किटेन के आई डबल टी ई एन किटेन किटन का हिंदी मीनिंग है बिल्ली का बच्चा किटन का हिंदी मीनिंग है बिल्ली का बच्चा फास एफ यू डबल एस फास फास का हिंदी मीनिंग है गड़बड़ फास का हिंदी मीनिंग है गड़बड़ इन लार्ज ई एन एल ए आर जी ई इन लार्ज इन लार्ज का हिंदी मीनिंग है बड़े आकार में इन लार्ज का हिंदी मीनिंग है बड़े आकार में अब देखिए यहाँ पे गाइस डेन डी ई -E आई जी एन डेन यहाँ पे जी साइलेंट रहेगा डेन डेन का हिंदी मीनिंग है कृपया करना डेन का हिंदी मीनिंग है कृपया करना कॉमोडीटी सी ओ एम एम ओ डी आई टी वाई कॉमोडी कॉमोडिटी का हिंदी मीनिंग है वस्तु कॉमोडिटी का हिंदी मीनिंग है बस्तु कैपेबल सी ए पी ए बी एल ई कैपेबल कैपेबल का हिंदी मीनिंग है काबिल कैपेबल का हिंदी मीनिंग है काबिल कैप्टिव सी ए पी टी आई वी ई कैप्टिव कैप्टिव का हिंदी मीनिंग है बंदी कैप्टिव का हिंदी मीनिंग है बंदी तो गाइज़ ये थे कुछ वर्ड्स और इन वर्ड्स को आपको अच्छा से याद करके रखना है अपनी नोटबुक में आपको इसे लिख लेना है क्योंकि अगर यही सारे वर्ड आप भूल जाओगे तो आप इंग्लिश में बोलोगे कैसे तो आपको इस तरह का वर्ड अपनी सेंटेंस में यूज़ करना है जब भी किसी से आप बातचीत करो तो इस तरह की वर्ड्स आपको यूज़ करना है नहीं तो आप इसे भूल जाओगे आप जब इसे यूज़ करोगे तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी ठीक है गाइज़ तो गाइज़ मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रेक्चर के साथ तब तक के लिए अलविदा